हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल अविनाश हेयरकेयर में। तो दोस्तों, मैं आज ब्लो ड्राई की जो वीडियो, बहुत लोगों ने बोला था कि आप ब्लो ड्राई की वीडियो बनाओ, तो वो जो हेयर कट लास्ट हेयर कट किया था, ये उसकी ब्लो ड्राई की वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने बस 6 सेक्शन में डिवाइड किया है, उसके बाद एक सेक्शन लेके अच्छे से रूट करके फिर लेंथ पे आके इन करके ले रहा हूँ पहले बालों को। आप देख सकते हो इसमें प्रॉपर इनवर्ड में ब्लो ड्राई कर रहा हूँ। पहले इन करके लो, देन आपको आउटवर्ड करना है। तो पहले आप जितना अच्छा इन करोगे उतना ही अच्छा फिनिशिंग आएगा। उसके बाद मैं आउटवर्ड छोटे ब्रश के साथ ले रहा हूँ, जो छोटा ब्रश है वो यूज़ करूँगा, और जब इन करूँगा तो मैं बड़ा ब्रश यूज़ करूँगा जिससे थोड़ा वॉल्यूम आ सके। उसके बाद आप देख सकते हो मैं प्रॉपर अच्छे से हीट दे रहा हूँ वो ब्रश के बीच में। तो आप भी उसे देखें, एक मिनट तक एटलीस्ट होल्ड करोगे तो आपका जो कर्ल्स है वो बहुत अच्छे तरीके से आएगा और ज़्यादा देर तक रहेगा। अभी मैं ब्रश को वैसे ही थोड़ा गर्म था इसलिए मैंने वैसे ही रखा है, आप भी रख सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा ब्रश है तो आप ऐसे लगा के रख सकते हो, जिससे जो आपका ब्लो ड्राई है वो काफ़ी हद तक खुल के आएगा और वो क्लाइंट के ऊपर भी बहुत अच्छा लगेगा और वो एटलीस्ट 1-3 दिन तो होल्ड करेगा। तो आप देख सकते हो पहले मैं रूट टू मिडल एंड अच्छे से ब्लो ड्राई कर रहा हूँ और उसके बाद मैं एंड पे कर रहा हूँ, और वो भी प्रॉपर इनवर्ड कर रहा हूँ, यानी इन यानी अंदर की तरफ कर रहा हूँ। जितना इन करते हो जो आपके एंड होते हैं वो बहुत हद तक अच्छे से शार्प हो जाते हैं, और फिर आप जब आउट करोगे तो बहुत ईजी। अभी मैंने छोटा ब्रश लिया है, आप देखो मैं बस इसे ले रहा हूँ आउट के लिए और उसे ये कर रहा हूँ, पैक कर रहा हूँ, देखो प्रॉपर। तो अगर आपको नहीं आ रहा है तो फिर से आप कर सकते हो इसे, अगर आपसे कोई प्रॉब्लम हो रही है। जैसे मैंने ये किया, उसके बाद आप जस्ट हीट दो अच्छे से थोड़ा ऊपर नीचे करके, जिससे कि बाल अच्छे से प्रॉपर हीट हो जाए और उसी हाल में रहे। और मैं अभी ये भी ब्रश को वैसे लगा के छोड़ दूंगा, जिससे कि वो थोड़ी देर रहेगा ब्रश के साथ, जो गर्म रहेगा ब्रश, तो उससे आपका ब्लो ड्राई होल्ड रहने में बहुत मदद मिलती है। अभी देखो दो ब्रश मैंने लगा लिए हैं, अब मैं तब तक ऊपर का सेक्शन का इन कर लूँगा, उसके बाद वही ब्रश यूज़ करके यहाँ पर मैं आउटवर्ड के लिए ये करूँगा। तो पहले रूट टू मिडल एंड, फिर उसके बाद एंड, एंड पे प्रॉपर इनवर्ड। तो ये चीज़ याद रखो, ये तीसरा सेक्शन है, मैं जो सेक्शन ले रहा हूँ वो तीसरा सेक्शन है। आप इसमें ज़्यादा भी सेक्शन कर सकते हो, अगर आपके हाथ में नहीं बैठ रहे तो कम से कम आप इसमें 4 सेक्शन कर सकते हो पीछे पार्ट में, या 6 सेक्शन भी कर सकते हो। तो ये मेरा टेक्निक है, मैं कम सेक्शन में ब्लो ड्राई करता हूँ। बहुत लोग बहुत सेक्शन करते हैं, बट सलोन में हमें इतना टाइम नहीं मिलता है कि ज़्यादा सेक्शन से आप काम करो, क्योंकि आपके पास टाइम कम रहता है, क्लाइंट के पास टाइम कम रहता है, तो हमें कम टाइम में अच्छा काम देना होता है, इसलिए आप थोड़े बड़े सेक्शन लेके कर सकते हो, बट रिज़ल्ट वही आएगा, बहुत अच्छा आएगा अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो तो। उसके बाद ये वाले पार्ट को मैं अच्छे से वापस वही सेम आउटवर्ड लूँगा, एंड तक लूँगा, राउंड करूँगा और उसे हिट दूँगा। तो बहुत अच्छा तरीका है, ईजी तरीका है, आप भी इसे यूज़ कर सकते हो दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो आप तो लाइक करते हो, जो नहीं करते वो भी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो बहुत इजी टेक्निक है, अगर आप में इसमें कोई भी डाउट आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपके कमेंट के आंसर ज़रूर दूंगा, और मैं हर एक कमेंट के आंसर ज़रूर देता ही हूँ। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं जल्दी आपको आपके जो भी डाउट्स है या फिर जो भी आपने कमेंट किया उसके आंसर दे पाऊँगा। तो एक साइड का सेक्शन आप देख सकते हो, मैंने पूरा सेक्शन वो लिया है, तो आप भी ये ले सकते हो। ये अभी 4th सेक्शन है हमारा, अभी 5 सेक्शन होगा और उसके बाद 6th वाला सेक्शन जो सामने वाला पार्ट है उसे। अभी इसे भी मैं देखो दोस्तों बहुत प्रॉपर इनवर्ड कर रहा हूँ, बहुत इजी तरीके से क्या कर रहा हूँ, इन कर रहा हूँ इन, उसके बाद इसे आउट कर रहा हूँ। तो बहुत लोग क्या करते, डायरेक्टली आउटवर्ड के लिए जाते हैं। अगर आप डायरेक्टली आउटवर्ड के जाओगे तो इतना फिनिशिंग नहीं आएगा आपके हेयर में, क्लाइंट के हेयर में। तो आप जब भी करोगे तो थोड़ा सा कोशिश करो कि पहले अच्छे से इन कर लो, देन आप उसे आउट के लिए लेके जाओ, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आप जब भी ब्लो ड्राई करते हो और आपका ब्लो ड्राई कभी फेल नहीं जाएगा। अभी ये जो खोलने का टेक्निक देखो, आप अच्छे से ब्रश कर लो, फिंगर के साथ फोल्ड करो और उसे छोड़ दो। उसके बाद आपको इसे हाथ से खोलना है लास्ट के टाइम, तो अभी नहीं खोलूँगा मैं, बस अभी होल्ड करके रखूँगा वैसे ही, और जब मेरा पूरा हेयर कट हो जाएगा तो फिर लास्ट में मैं हाथ में सीरम लेके इसे प्रॉपर ओपन करूँगा। तो लास्ट हेयर कट भी बहुत लोगों को पसंद आई, तो उन लोगों ने मुझे रिकमेंड किया था कि आप ये हेयर कट का ब्लो ड्राई का वीडियो ज़रूर अपलोड कीजिए। तो मैंने ये वीडियो निकाल के रखी थी, बस मैंने वीडियो में नहीं डाला था क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था। तो बहुत लोगों के
बोलने के बाद मैंने ये वीडियो अपलोड की है ब्लो ड्राई की। तो बहुत इजी टेक्निक है, देखो एकदम इजीली आप ब्रश लेके गए, अच्छे से हीट दिया, बस फिनिशिंग होना चाहिए। आप जब भी काम करते हो फिनिशिंग के साथ करोगे, थोड़ा सा टाइम दोगे, और बहुत जगह पे एक ही जगह पे ज़्यादा हीट मत देते बैठो, क्योंकि बाल भी डैमेज हो सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि कहाँ पे कितनी हीट देनी है, और आप फिर उस हिसाब से ही काम करो। तो हीट देखो दिया मैंने, उसके बाद थोड़ा सा हाथ से होल्ड करूँगा, हाथ से थोड़ा दबाऊँगा सेक्शन को, और देन उसे छोड़ दूँगा। देखो छोड़ने का भी एक तरीका है, दिख रहा है, तो मैं इस साइड से वो इधर से छोड़ रहा हूँ, उधर का उस साइड से छोड़ रहा हूँ, जिससे एक वॉल्यूम आया। अब ये फ्रंट का पार्ट, इसे भी मैं इन्वर्ट करके ले रहा हूँ। तो हर एक पार्ट इन करना बहुत ज़रूरी है, तो इन करोगे तो आपकी फिनिशिंग बहुत हद तक अच्छी आएगी। तो इन करो और दो ब्रश का यूज़ करो, जो आप पीछे कर्ल्स कर रहे हो उसमें एक तो होता है आपका जो बड़ा ब्रश जो आप इन कर रहे हो, और उसके बाद आप जब आउट करते हो तो छोटा ब्रश, छोटे ब्रश से छोटे छोटे कर्ल्स आते हैं। अगर आपको बड़े कर्ल्स चाहिए तो आप बड़े से कर सकते हो, बड़े इतने होल्ड नहीं रहते, बट आप छोटे से ही कर सकते हो, तो काफ़ी हद तक अच्छा रिजल्ट आएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गया हमारा, तो मैं इसे खोल रहा हूँ, तो देखो जैसे मैं खोल रहा हूँ कितना अच्छा रिजल्ट आ रहा है इनके हेयर्स के ऊपर। और कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, बस सीरम लगाया मैंने, सीरम के साथ देखो ये कितना अच्छा लग रहा है, फ्लफी लग रहा है एकदम, एक एक हेयर सेपरेट हो गया, एक एक लेयर, एक एक स्टेप अलग अलग दिख रही है दोस्तों। कुछ करना नहीं है, अच्छे से ब्लो ड्राई की प्रैक्टिस करो, आपके क्लाइंट बहुत हद तक आपसे खुश हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे चैनल को, और ऐसे ही वीडियो देखते रहो। और भी कुछ आपके मन में डाउट हो, और भी कुछ आपको चीज़ें सीखनी हो, तो मुझे कमेंट ज़रूर करें इंस्टाग्राम पे, तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों देखो कितना अच्छा लग रहा है, अगर ये फ्रंट के साइड पे भी लेंगे तो कितना हद तक ये अच्छा लगता है, इसका एक एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ, और ये अपना फाइनल रिजल्ट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए अविनाश हेयर केयर, और ऐसे ही मेरे वीडियोज़ को सपोर्ट करते रहिए जैसे